हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। दोस्तों बात करेंगे आरसीबी वर्सेस सीएसके। जी हमने इससे पहले एक वीडियो किया था, वहां पर बात की थी, लेकिन वो सिर्फ एक्साइटमेंट थी जो आरसीबी फैंस के अंदर थी, जो मेरे अंदर है कि आरसीबी फाइनली इनटू द प्लेऑफ्स। लेकिन यहां पर बात करेंगे आखिर मैच में क्या कुछ हुआ। मैच में भैया पहले तो बारिश के आसार थे। बारिश आरसीबी फैंस के लिए खासकर ये बहुत खतरनाक होता अगर बारिश आज के दिन आती, लेकिन नहीं आई, भगवान ने कृपा की। पूरा का पूरा 20 ओवर का मैच हुआ। 20 ओवर में आरसीबी आती बल्लेबाजी करने, शुरुआती 3 ओवर 31 रन, लेकिन इसके बाद गाड़ी थोड़ी सी स्लो होती जाती है उनकी। 10 ओवर में सिर्फ 78 रन, लेकिन अगले 10 ओवर जो होते हैं 140 रन टांग देती है आरसीबी। जबरदस्त पारी खेलते हैं विराट कोहली, 47 रन 50 लगाते हैं फैफ डुप्लेसी। लेकिन आखिर में जिस तरह से मैक्सवेल के वो 16 रन आते हैं, कैम ग्रीन की अच्छी पारी आती है, रजत पाटीदार की अच्छी पारी आती है, सब कुल मिलाकर आरसीबी पहुंचता है 218। और आरसीबी को जीतना था 18 रन से, यानी 201 का टारगेट था सीएसके के सामने, और विराट कोहली का जर्सी नंबर है 18। इसके बाद सीएसके आती है। अब सीएसके के लिए कहानी कुल मिलाकर यही रहती कि रचिन रविंद्रा को हटा दें आप तो बिल्कुल कुछ नजर नहीं आएगा। फिर एंड में जब आप देखेंगे तो वहां पर धोनी की थोड़ी सी तेज तरार 20-30 रन आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 42-44 रन जडेजा के जो आते हैं, और इसके अलावा आपको बहुत कुछ नजर नहीं आएगा। यही था जो कुछ था, और यही कारण रहता है कि उस जीत को तो आप दूर कर दीजिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है सीएसके की कैसे भी क्वालिफाई कर जाए। लेकिन आप कैसे भूल सकते हैं यश दयाल कौम दी हार कौम दी मैन। आपको वो 29 रन याद होंगे, वो 5 छक्के याद होंगे जो यश दयाल ने खाए थे रिंकू सिंह से। लेकिन अब आप जानेंगे तो आरसीबी को चैंपियन बनाने के लिए, आरसीबी को प्ले ऑफ में पहुंचाने के लिए यश दयाल का नाम सुनेंगे, ना कि उन 5 छक्कों के लिए। क्योंकि जिस तरह से कम बैक किया है, जिस तरह से गेंद डाली है, MS धोनी को आउट किया, रविंद्र जडेजा को 2 गेंदे बीट कराई, जबरदस्त ओवर डाला, 17 रन चाहिए थे सिर्फ और सिर्फ 7 रन दिए, पहली गेंद पर छक्का खाया, वहां पर जिस तरह से कम बैक किया, वाकई में लाजवाब था जो यश दयाल ने किया है। सुपर्ब था, अमेजिंग था, और आरसीबी फैंस को ये बहुत भाएगा। भैया 5 करोड़ की कीमत दे के लाए थे, और वो भी तब जब वो खिलाड़ी 5 छक्के खाकर आ रहा था। और जस्ट बिफोर द IPL मैंने कहा था ये 5 करोड़ से 5 छक्कों से 5 करोड़ तक की कहानी है, और अब ये आरसीबी के हर फैंस की बनने वाली जुबानी है, और वैसा ही होता हुआ नजर आया है फिलहाल इस मैच में। अब आप बताइए फिलहाल क्या होगा प्ले ऑफ का रिजल्ट, क्या आरसीबी इस साल का अपना का जो सपना लेकर चल रही है क्या वो पूरा हो रहा है या फिर नहीं, जो भी लगता है आपको जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताइए आपकी अपनी राय।